जबलपुर में मिशनरी स्कूल की करतूत सामने आई। 5 मिनट की देरी से पहुंचने पर बच्चों को मैदान में खड़ा करके रखा गया। सैकड़ों बच्चे 1 घंटे तक इन्हें मैदान में खड़ा करके रखा गया। तकरीबन 300 बच्चे मैदान में खड़े नजर आए। नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चे परेशान होते रहे। दरअसल कल रात 10 बजे प्रबंधन ने 7:20 पर स्कूल पहुंचने की सूचना दी थी। तकरीबन 5 से 10 मिनट की देरी से बच्चे जब पहुंचे तो उन्हें खड़ा कर दिया गया, बाहर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया, तब कहीं जाकर बच्चों को स्कूल में एंट्री मिली है। अभिभावकों ने इस बात की शिकायत कलेक्टर को की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सेंट अलायस स्कूल पोली पाथर का ये पूरा मामला है। सेंट अलायस स्कूल जबलपुर का यह मामला, इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि लगातार जबलपुर में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है, चाहे वो किताबों के शक्ल में हो, मनमानी फीस की शक्ल में हो। और इन सब के बीच अब जब बच्चे 5 से 10 मिनट की देरी पर पहुंचे तो उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सेंट अलायस स्कूल जबलपुर पोली पाथर का यह पूरा मामला है। सहयोगी पवन पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल, ये पूरी घटना जो है आज सुबह की है। जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो 3 से 5 मिनट लेट होने वाले सैकड़ों बच्चों को स्कूल के बाहर कर दिया गया, उन्हें क्लास में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद पेरेंट्स ने हंगामा किया। ये पूरी घटना जो है ये पोली पाथर स्कूल की है, जो कि पोली पाथर में सेंट अलायस स्कूल की है। और प्रशासन की लगातार हो रही कार्रवाई के बाद भी स्कूल प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट का इस तरह का व्यवहार किसी को भी रास नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन स्कूलों को वापस फिर से छूट दे दी गई। फिलहाल बच्चों को तो प्रवेश मिल गया, लेकिन पेरेंट्स में आक्रोश है कि इस तरह की घटनाएं बार बार भी आ रही हैं। पहले भी इस तरह की शिकायतें कलेक्टर तक पहुंच चुकी हैं, शिक्षा विभाग तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन इन पर अंकुश नहीं लग रहा है, जो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। हालांकि स्कूल पर पहले भी कॉपी किताब की बिक्री, मनमानी फीस, मनमानी हरकत, इसके आरोप लगे हैं सेंट अलायस पे। पवन जी बिल्कुल, ये वही स्कूल है जो 11 स्कूलों पर कार्रवाई हुई थी, उसमें सेंट अलायस पोली पाथर स्कूल भी था, जिसके मैनेजमेंट पर किताब कॉपी और यूनिफॉर्म में सांठगांठ करने का, मनमानी फीस वृद्धि करने का आदेश की कार्रवाई हुई थी। और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ऐसा भी लग रहा है कि शायद प्रशासन की कार्रवाई का बदला पेरेंट्स और उनके बच्चों से लिया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए। इधर श्योपुर में एक शिक्षक की बेरहमी सामने आई है। इसने ना सिर्फ छात्रों को बेरहमी से पीटा बल्कि इन्हें मुर्गा भी बना दिया। अब इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। दूर गांव के वंदना कॉन्वेंट स्कूल का ये मामला है। इधर वन विभाग ने राज्य पुलिस पर बड़े आरोप लगाए हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना पुलिस रेत माफिया से मिली हुई है, ये आरोप पीसीसीएफ लगा रहे हैं। पीसीसीएफ असीम श्रीवास्तव, वो मुरैना पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वन कर्मचारियों पर हमले के आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्रॉस FIR हुई। 4.5 साल तक जेल में वन विभाग के कर्मचारी रहे, जबकि हमला करने वाला एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं है। ये गंभीर आरोप, कोई मामूली कर्मचारी नहीं, जो वन विभाग, वन महकमे का सबसे बड़ा अधिकारी होता है PCCF असीम श्रीवास्तव, वो ये आरोप मुरैना पुलिस पर लगा रहे हैं कि जो रेत माफिया है उससे मुरैना पुलिस मिली हुई है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बेहद गंभीर है ये आरोप, और कोई आम आदमी, कोई कर्मचारी, कोई फॉरेस्ट गार्ड, कोई डेप्यूटी रेंजर नहीं लगा रहा है, पीसीसीएफ ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। शैलेंद्र
बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि देखिए जिस तरीके से जब जब ग्वालियर चंबल संभाग हो या फिर बुंदेलखंड के इलाके या नर्मदापुरम इलाके में जब जब इस तरह की जो कार्रवाई हुई है और उसके बाद जब भी वन विभाग को मुंह की खानी पड़ी तब सीधे तौर पर आरोप पुलिस पर आता है कि पुलिस बल की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग वन विभाग को नहीं मिलता। और यही कारण है कि जो वन माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, उनके हौसले लगातार बुलंद रहते हैं। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि अब खुद PCCF जो वन सेवा के हैं उन्होंने सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की मुरैना पुलिस पर सवाल खड़े किए और कहा है कि देखिए 2021 का एक मामले का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट करके कुछ जो आरोपी थे वो ट्रैक्टर छुड़ाने में कामयाब हो गए थे। उस मामले में क्रॉस कायमी हुई थी तो क्रॉस कायमी के बाद वन विभाग के कर्मचारियों को तो जेल भेज दिया गया, उनके खिलाफ चालान पेश कर दिया गया, लेकिन जो खनन माफिया थे, जो लोग वन विभाग के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों के साथ मारपीट करके फरार हो गए थे, उनमें से एक आरोपी को भी अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं जो कार्रवाइयां करते हैं लेकिन उसमें पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिलता, बल्कि उल्टा जो पुलिसकर्मी हैं उनका खनन माफियाओं के साथ कहीं ना कहीं कोई साठगांठ होता है जिसके चलते हमेशा वन विभाग को मुंह की खानी पड़ती है। देखिए अगर मैं मध्य प्रदेश को खासकर ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से देखूं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर टास्क फोर्स बना हुआ है जिसमें न केवल वन विभाग की टीम बल्कि पुलिस और राजस्व की टीम को भी एक साथ मिलकर कार्रवाइयां करनी होती है। चूंकि वन विभाग के अधिकारियों के पास बहुत से ऐसे पावर हैं जो उनके पास नहीं होते हैं, उन्हें अंतर्गत पुलिस और राजस्व की टीम के साथ मिलकर ही काम करना होता है, मदद उन्हीं की लेनी होती है। लेकिन जो अच्छी बात आपने याद दिलाई कि टास्क फोर्स बनाई गई है, टास्क फोर्स तब काम करती है जब कोऑर्डिनेशन हो, और कोऑर्डिनेशन का आलम यह है कि PCCF ये आरोप लगा रहे हैं कि मुरैना पुलिस रेत माफिया से मिली हुई है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर सागर में डायरिया का प्रकोप है, एक दर्जन से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। दूषित पानी पीने के बाद उल्टी दस्त की शिकायत हुई और अब तक 16 मरीज सामने आए हैं, इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मौके पर कलेक्टर दीपक आर्य पहुंचे हैं, स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद है। सागर ग्राम खाड़ की ये घटना है। अब जो भी है ये बोर है, पानी पी रहा है सर, पांच की मोटर लगी सर, मैडम बात बन गई रोड। तो ये मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और कलेक्टर साहब भी पहुंचे हुए हैं देखने के लिए क्या स्थितियां हैं, और स्थितियां जमीन पर नजर भी आ रही हैं दूषित पानी के चलते। और हर बार डायरिया बड़ी चुनौती होता है बारिश के बाद, बारिश की शुरुआत से लेकर आगे तक पूरे सीजन भर के लिए। सागर की बात कर ली जाए, दूषित पानी पीने के बाद उल्टी दस्त की शिकायत मिली और 16 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य पहुंचे हैं, उन्होंने पूरा इलाका भी देखा है, स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मौजूद है। सागर के ग्राम खाड़ की ये घटना है जहां तेजी से फैल रहा है डायरिया। दूषित पानी पीने के बाद से उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हुई और 16 मरीज इस मामले में अब तक सामने आए हैं। मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, 16 मरीज अब तक सामने आए हैं। पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पिछले महीने भी सागर के पास एक मेहर गांव में हैजा का ही प्रकोप फैला था, जिसके बाद एक पूरा का पूरा गांव जिसमें 400-500 लोग बीमार हुए थे जिला अस्पताल में भर्ती हुए, उसकी भी खबर जो है न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया था इस बार, लेकिन जैसे ही मरीजों की जानकारी सामने आई कलेक्टर खुद स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ, जो मेडिकल कॉलेज का विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है और जिला अस्पताल का जो पूरा कहना चाहिए स्टाफ है, वो पूरा मौके पर पहुंचा और पूरे गांव में भी जो है सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर भी लगभग 16 से 17 मरीज सामने आए जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर का कहना है कि अभी पूरे मामले में जांच की जा रही है कि ये हैजा डायरिया है या फिर जो कीटनाशक का छिड़काव जो किसान करते हैं, एक तथ्य वो भी कलेक्टर की जांच में निकल के आएगी, आसपास जो खेत हैं उनका भी रिएक्शन ये हो सकता है। जी जानकारी के लिए। इधर विदिशा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर लगा है बड़ा आरोप, कार्यकर्ता ने बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। कई सालों से पति से ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये अलग रह रही थी, कोर्ट में इसका मामला चल रहा है, पिता के पास बच्चे रहते थे। महिला बाल विकास विभाग की कर्मचारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शमशाबाद थाना इलाका लगता है, कोलुआ गाँव की ये घटना है।
और सहयोगी दिनेश यादव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और फिर और ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। तब तक आपको बता दें, विदिशा का पूरा मामला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर बड़ा आरोप है कि उसने बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। मामला कुछ ऐसा है कि ये अपने पति से अलग रह रही है, अलग रहने का मामला कोर्ट में वैसे ही चल रहा है। बच्चे जो हैं वो पिता के पास रहते थे। आरोप ये है कि उन्हें अगवा करने की कोशिश इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने की। महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। शमशाबाद थाना इलाका लगता है, कोलुआ गांव की घटना है। शमशाबाद थाना पुलिस अब इस मामले की पड़ताल कर रही है। तो दिनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। विदिशा का यह पूरा मामला है, कोलुआ गांव की यह घटना है। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इधर आगर मालवा में पीएम श्री हाई स्कूल पालखेड़ी के प्राचार्य के वायरल हुए ऑडियो के मामले में नाराज ग्रामीणों ने उज्जैन कोटा हाईवे के बड़ौद रोड चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग गांव वाले कर रहे हैं। जाम लगने से चौराहे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मौके पर मौजूद कोतवाली पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है। आपको बता दें, प्राचार्य केसी मालवीय का स्कूल में बच्चों को भाषण देने का एक ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में प्राचार्य ने मंदिर में न जाने और पंडितों को जूते मारने और अंग्रेजों के गुलामी काल को अच्छा बताया था। मुरैना में 12 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई की गई है, जहां बेसमेंट में काम करवाया जा, बेसमेंट में शिक्षण संस्थान चलाने या लाइब्रेरी चलाने की शिकायतें मिली थी। कुछ को बंद करवा दिया गया, कुछ बेसमेंट सील कर दिए गए हैं। बेसमेंट में कोचिंग चल रहे थे, होटल चल रहे थे, दुकान चल रहे थे। इन्हें देखा गया, निगम के रिकॉर्ड में करीब 150 बेसमेंट हैं। सीएम के निर्देश पर नगर निगम और जिला प्रशासन सख्त है। सभी में एग्जिट और एंट्री के लिए एक ही गेट है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सीहोर के कोलार डैम का निरीक्षण करने पहुंचे और अधिकारियों पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। मंत्री सिलावट ने कोलार डैम का निरीक्षण किया। कोलार डैम के ऊपर से निकलने वाले मुख्य मार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त था, बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई। ये कोलार डैम का उन्होंने निरीक्षण किया। जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े गड्ढे हैं, तब उन्होंने ये भी कहा कि क्या इसके लिए भी मुझे ही बताना होगा, इसे सुधारने के लिए भी मुझे ही बताना होगा। ये तमाम नाराजगी उनकी सामने आई। स्वागत कर रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, हम डॉक्टर मोहन कोई आपके हिसाब से ओपन देना है। पूरी मध्य प्रदेश की सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री का दावित है कि मध्य प्रदेश का नाम तालाबों की रक्षा की जाए, उसके आने जाने की जो सुरक्षा की दृष्टि से जो डैम में ज़्यादा मुझे सुरक्षा की दृष्टि से जो निर्देश देना जो दिए हैं और ये जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। सबको अधिकारी को निर्देश दिए इससे पहले दोनों क्यों नहीं किया था, जहाँ से निर्देश दिए उसके बाद क्यों कर रहे थे, दोनों क्यों नहीं किया था। एक बात, जब पहले निर्देश दिए तो पूरा हो गया, अब जो आप निर्देश दे रहे हो जल्दी पूरे हो जाए। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं और मौसमी बीमारियों के बढ़ने के चलते ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं। झोलाछाप डॉक्टर को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि जिन लोगों के पास मरीज के इलाज करने के लिए डिग्री नहीं है, ऐसे डॉक्टर्स को लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ये और बात है कि बालाघाट के लांजी से जो बीजेपी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि अगर फर्जी डॉक्टर्स पर या झोलाछाप डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निश्चित रूप से हमारी भारत सरकार के भी इसमें स्पष्ट निर्देश है, मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं
कि जो भी वैधानिक रूप से प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी उचित पढ़ाई करके उचित लाइसेंस बना के प्रैक्टिस कर रहा है, उनको तो हम प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो केवल डॉक्टर के नाम से, क्लिनिक के नाम से, जिनकी उचित न प्रशिक्षण हुआ है ना पढ़ाई हुई है, ऐसे लोग यदि कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है, उनको रोकने का काम हमारा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल करौंद में मेट्रो परियोजना का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि करौंद चौराहे पर 3-tier ट्रांसपोर्टेशन होगा, सबसे ऊपर मेट्रो, फिर फ्लाईओवर और नीचे सर्विस रोड निकलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट से रत्नागिरी चौराहे तक 6-lane सड़क का कार्य प्रगति पर है। करौंद में मेट्रो लाइन डालने का काम शुरू हो चुका है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है करीब 4 साल में पूरा होगा। है जिसमें एयरपोर्ट से लेकर और रत्नागिरी तक संपूर्ण क्षेत्र 6-lane का हो जाएगा। उसमें कम से कम फ्लाईओवर, कितने फ्लाईओवर हैं? 18 फ्लाईओवर रहेंगे छोटे बड़े मिलाकर। करौंद चौराहे पर एक बड़ा फ्लाईओवर आने वाला है, लगभग 1.25 किलोमीटर का वो रहेगा, क्योंकि ये दोनों काम एक साथ होने और बहुत खूबसूरत नजारा होने वाला है ऊपर से।